Assalamualaikum students. Today we will going to start serial communication of 8051. We will see that how serial communication is done using 8051 microcontroller. But before that, it must be sure that you have gone through the previous videos, because there is a strong link between this video and the previous ones. So now let's begin. Communication basically aapke paas kya hoti hai? It means that you are transferring the bit, your data bit by bit, right? That means what? कि आप एक एक करके bits को transfer कर रहे हैं between the sender and receiver. Whereas the parallel combination आपके पास क्या होता, communication क्या होता है आपके पास? Parallel communication आपके पास ये चीज़ होती है कि in which you can transfer multiple bits at a time. आप एक block of bits एक time पे transfer करते हैं receiver को, ठीक है? सो सीरियल ट्रांस कम्युनिकेशन बेसिकली हम जो हैं उसके अंदर ये बात जहन में अपने रखें कि एक बिट बाय बिट आपकी ट्रांसफ़र होगा, वेरस पैरेलल में मल्टीपल बिट्स जो हैं वो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वायर्स अवेलेबल. सीरियल कम्युनिकेशन की में फर्दर दो आपके पास डिविजन्स हैं. नंबर वन इज़ द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड नंबर सेकेंड इज़ द ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. Synchronous communication we will use in when we want to transfer bulk data and at a time, and asynchronous communication we will use when we want to transfer a byte of data in a frame structure. जब आप framing की बात कर रहे होंगे, यानी कि एक अदद एक byte of data है जिसको आपने कोई packet बना के send करना चाहा है, then it will become a asynchronous communication. But अगर आप bulk data transfer करना चाह रहे हैं तो हम synchronous communication use कर रहे होंगे. हमारा जो फोकस है बेसिकली वो हम एसिंक्रोनस की तरफ ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज 8051 के अंदर बिल्ट इन यूआरट है. दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन 8051. सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. जो ये हमारे पास यूआरट अवेलेबल है, दिस स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है? सो इस वजह से हमारा फोकस किस पे होगा? हमारा फोकस होगा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के ऊपर. और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे होंगे? हम एक बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, ठीक है? अब 8051 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास के लेक्चर्स में कि इसके अंदर पिन नंबर 3.0 एंड 3.1, यानी कि पोर्ट 3 की पिन नंबर 0 और पोर्ट 3 की पिन नंबर 1, ये दोनों पिन हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर RxD एंड TxD. RxD एंड TxD क्या है? RxD इज़ द सीरियल डेटा रिसीव पिन, यानी कि जो भी डेटा आपको सीरियली रिसीव करना है वो आप इस पिन पे आराम से रिसीव कर सकते हैं. Whereas TxD स्टैंड्स फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिट पिन, यानी कि आपने जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना है किसी और को, किसी सेंडर अपने रिसीवर को, तो आप यहाँ पे TxD के पिन के ऊपर रखेंगे. दिस पिन इज़ बेसिकली यूजिंग फॉर रिसीविंग एंड दिस पिन इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग. ये दोनों पिन्स कहाँ लगी हुई हैं? ये दोनों पिन्स 8051 के पोर्ट नंबर 3 पे लगी हुई हैं. RxD पिन आपकी पोर्ट 3.0 पर है, वेयर एज पोर्ट 3.1 पे आपकी TxD पिन है, ठीक है? सो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि हमारा फोकस किस पे रहेगा? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि बिल्ट इन यूआरट की वजह से. एंड यूआरट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. लेट्स मूव अहेड. मैंने आपसे बात की ही हमारे पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है. क्यों एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है? बिकॉज वी हैव बेसिकली हैव टू ट्रांसफ़र बिट बाय बिट इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेम और अ पैकेट हम भेजना चाहते हैं. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा. फ्रेम का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होगा कि इसमें इट विल हैव अ स्टार्ट बिट एंड इट विल हैव अ स्टॉप बिट. ये इसका मेन चीज़ है. और आपका जो डेटा होगा वो आपका इसी के दरमियान के अंदर हम रखेंगे. सबसे पहले आपकी स्टार्ट बिट होती है, जो ये इंडिकेट करती है रिसीवर को कि अब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने जा रही है. तो आप अपनी डेटा लाइन को सबसे पहले आप लो करेंगे, यानी कि आप ट्रांसमिट करेंगे एक एक्टिव लो का सिग्नल विच इंडिकेट्स द रिसीवर कि अब कुछ डेटा आने वाला है. उसके बाद आप डेटा का पैकेट भेजेंगे. इट कैन बी 8 बिट्स, इट कैन बी 9 बिट्स का पैकेट भी हो सकता है, 8 बिट का भी हो सकता है. वो आप अपना भेजेंगे फौरन इमीडिएटली आफ्टर योर स्टार्ट बिट. और उसके बाद जब आपका डेटा आप भेज चुके होंगे, देन यू विल सेंड अ स्टॉप बिट, जो कि आपकी 1 बिट की भी स्टॉप बिट हो सकती है, 2 बिट की भी हो सकती है. और ये इंडिकेट क्या करता है कि आपका फ्रेम हैज़ बीन एंडेड, अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए हम वेट कर सकते हैं. ये बात अपने जहन में रखिएगा कि स्टार्ट बिट हमेशा ऑलवेज लो होती है, स्टार्ट और स्टॉप बिट हमेशा हाई होती है. क्योंकि आपके पास जब आप एक ओपन मीडिया में काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है. यू हैव इनिशियली एवरीथिंग इज़ हाई, जिसको हम मार्क कहते हैं. सब कुछ आपका हाई होता है, ठीक है?
जब आपने कोई डेटा भेजना है आप इसको लो करते हैं यानी कि स्टार्ट बिट भेजते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट बिट शुड बी ऑलवेज लो। इसके बाद आपका जो भी 8 बिट का डेटा है आपने वो पूरा का पूरा भेजा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ASCII कैरेक्टर ए जो कि हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से बनती है, हमने वो डेटा यहाँ के अंदर जो है वो पूरा का पूरा इंसर्ट किया है फ्रॉम D0 से D7, इट मीन्स देर आर 8 बिट्स। ये 8 बिट्स जब यहाँ से जाएंगी और इन द एंड इसको इंडिकेट करने के लिए कि अब कहाँ हमारा ख़त्म हो गया है, हम यहाँ पे स्टॉप बिट लिख देंगे, ठीक है। एंड स्टॉप बिट विल ऑलवेज बी हाई एंड स्टार्ट बिट विल ऑलवेज बी लो। तो ये हमारे पास एक एक तरीका है, एक फ्रेमिंग का वे है, एक फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब स्टॉप बिट एक होगी कि दो होगी, ये सब कौन होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके डिफरेंट मीडिया में डिसाइड होते हैं, इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे। लेट्स मूव अहेड। जी नाउ अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन रेट। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है इन योर सीरियल कम्युनिकेशन। इस टर्मिनोलॉजी में दो हमारे पास टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड BPS एंड बॉड रेट, बिट्स पर सेकेंड एंड बॉड रेट। अगर आपको अंदाज़ा हो तो जब आप इंटरनेट का पैकेज ख़रीदने जाते हैं सो वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ दीज थिंग्स कि ये 2GB का पैकेज है, इतने बिट्स पर सेकंड ऑफर करेगा, ये इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है, ये इसकी अपलिंक स्पीड है। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग द ट्रांसमिशन रेट कि डेटा किस रेट पर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो अगर आप एक बिट पर बिट्स पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में आप कितनी बिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिकेटेड बाई बिट्स पर सेकेंड। लेकिन वॉट इफ़ अगर आप बिट्स नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, आप सिम्बल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सिम्बल्स का मतलब क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं बॉड रेट, ठीक है। तो अगर आप बिट्स पर सेकेंड कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड बिट रेट, एंड इफ़ यू आर ट्रांसमिटिंग सिम्बल्स पर सेकेंड देन इट इज़ कॉल्ड बॉड रेट। अब सिम्बल्स क्या होते हैं, लेट्स सी दिस डायग्राम जो आपके सामने एक बनी हुई है। इफ़ यू सी हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा AM, FM, PM, ये सारे हमारे पास एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली आ जाती हैं BPS के है, QPS के है, 16 कॉम है, दीज आर बेसिकली रेफर टू एज डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स। यानी कि हम मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के ऊपर या हाई फ्रिक्वेंसी वेव के ऊपर आपके डेटा को राइड कर रहे हैं। क्यों राइड करना चाह रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इसलिए ताकि वो दूर दराज जा सके। आपको पता है अगर किसी चीज़ में ज़्यादा एनर्जी होगी वो दूर तक जाएगी, इसलिए हमारा डेटा में एनर्जी नहीं है, उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए हमने उसको एक ट्रांसपोर्ट दे दिया। वो ट्रांसपोर्ट क्या है, वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर है, एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव है। जब हम उसके ऊपर उसको मॉड्यूलेट करते हैं, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, जब हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं यानी कि हम कहते हैं डेटा आपने पैदल नहीं चलना, आपने इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर बैठ के जाना है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट इज़ बेसिकली योर हाई फ्रिक्वेंसी वेव। इन दैट पर्टिकुलर थिंग इट इज़ कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। इफ़ आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ विद एन एनालॉग डेटा देन आई विल कॉल दिस एनालॉग मॉड्यूलेशन, एंड इफ़ आई डू ऑल दिस स्टफ विद अ डिजिटल डेटा आई विल कॉल दिस एज डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। सो इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, जैसे यहाँ BPS के है, QPS के है, QAM है, क्यू स्टैंड फॉर क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कींग है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये सब नाम है, बाइनरी फेज शिफ्ट कींग है। तो इनके नाम याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैं सिम्बल्स का देना चाह रही हूँ वो ये है, अगर मैं एक सिंपल BPSK की बात करती हूँ तो इसमें बाइनरी डेटा है। बाइनरी डेटा का मतलब क्या है, वी हैव ईदर ज़ीरो और वी हैव ईदर वन। तो वन इंडिकेट करता है पॉजिटिव वन से और ज़ीरो इंडिकेट करता है नेगेटिव वन से। तो दिस इज़ हाउ वी शो। अब ये आपके पास एक ही बिट है, इसको अगर मैं बात कर रही हूँ तो आई विल कॉल्ड एज BPS, बिट्स पर सेकेंड कितनी ट्रांसफ़र हुई, एक ही बिट है। बट वॉट इफ़ अगर मेरे पास इस वाले ग्रुप में बढ़ जाएँ बिट्स, यानी कि जैसे इस केस में आप देखें यहाँ लिखा हुआ है 00, 01, 1011। अब ये क्या हुआ, हर सिंबल के अंदर दीज आर कॉल्ड सिंबल्स, S0, S1, S2, S3, दीज आर सिंबल्स। हर सिंबल के अंदर यहाँ कितनी बिट थी, एक एक बिट थी, यहाँ कितनी बिट्स हैं, दो दो बिट्स हैं। इफ़ यू सी दिस, अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ देन आई विल नॉट यूज़ द वर्ड बिट रेट, आई विल यूज़ द वर्ड बॉड रेट, बिकॉज नाउ आई एम ट्रांसमिटिंग सिम्बल्स,
एस वाई एम बी ओ एल एस, आई एम ट्रांसमिटिंग सिम्बल्स पर सेकेंड, सो दिस इज़ कॉल्ड बॉड रेट. तो बॉड रेट और बिट रेट दोनों सेम है अगर मैं बी पी एस की वाली बात करती हूँ. क्यों? क्योंकि सिम्बल्स पर सेकेंड भी मैं एक ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बिट्स पर सेकेंड भी ऑब्वियसली एक ही है, बट इस केस में आपका बॉड रेट काउंट होगा, बिट रेट नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में जाती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं. इसका मतलब है कि हर सिम्बल 4-4 बिट्स का है. कैसे मुझे पता चला कि 4-4 बिट्स का है? बिकॉज 2 की पावर 4 इज़ 16. सो हर सिम्बल हमारे पास 4-4 बिट्स का है. इसका मतलब है यहाँ सिम्बल में एक बिट थी, यहाँ सिम्बल में 2 बिट है, और यहाँ सिम्बल में 4 बिट है. तो अगर मैं इस सिस्टम का कैलकुलेट करना चाहूँगी कि किस रेट पर ट्रांसमिशन हो रही है, आई विल यूज़ द टर्मिनोलॉजी एज बॉड रेट, नॉट बिट रेट. ठीक है, अगर मैं बी पी एस के की बात कर रही हूँ, तो चाहे मैं बॉड रेट इस्तेमाल करूँ या मैं बिट रेट इस्तेमाल करूँ, बात एक ही है. जब हम सिंपल वायर कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, तो आप चाहे वर्ड बॉड रेट इस्तेमाल करें या बिट रेट यूज़ करें, इट्स इंटायरली द सेम, क्योंकि आप एट अ टाइम एक ही बिट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वही आप इंडिकेट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम सिम्बल्स अगर ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो वी विल कॉल एट बॉड रेट यूजली, जो कि हम हाई फ्रिक्वेंसी पर कर रहे होते हैं. अगर हम जो है वो आपका क्या कहते हैं, हम सिंगल बिट्स की बात कर रहे हैं कि वो एक एक बिट्स पर सेकेंड कितनी जा रही हैं, देन इट इज़ रेफर टू एस बी पी एस. ठीक है, स्टैंडर्ड जो बॉड रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इज़ 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 576 एंड 11200. ये स्टैंडर्ड बॉड रेट्स हैं. ऑब्वियसली ये थोड़ी स्लो स्पीड है, ये उससे फास्टर है, ये उससे फास्टर है, ये सबसे फास्टर है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि हम बात कर रहे थे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फ्रेमिंग के स्ट्रक्चर की, जो कि हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसमें स्टार्ट बिट हमेशा लो होती है, स्टॉप बिट हमेशा हाई होती है, एंड बीच में डेटा होता है. देन वी सेट के डेटा का ट्रांसमिशन रेट का मोड क्या होना चाहिए, इट कैन बी बिट रेट, इट कैन बी बॉड रेट. थर्ड क्वेश्चन दैट कम्स इन टू माइंड कि ये बॉड रेट कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं. अगर हम सिंपल तरीके से बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू 8051 आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नाउ यू लेट सी. सबसे पहले आपके पास एक क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज़ 11.0592 मेगाहर्ट्ज़, जो कि स्टैंडर्ड है. आपने इसको डिवाइड बाय 12 करना है ताकि हमें क्लॉक की फ्रीक्वेंसी पता चले. ये हम स्टेप पूरा का पूरा टाइमर्स में भी कर चुके हैं, टाइमर्स के न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं. अब इसको UART के पास जाने के लिए, UART इसके अंदर एक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता है विच इज़ बेसिकली डिवाइडिंग इट बाय 32. तो पहले आपने फ्रीक्वेंसी 12 से डिवाइड की. क्यों 12 से डिवाइड की? बिकॉज ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी थी जो हम हमेशा करते हैं. ठीक है, देन वी डिवाइड इट बाई 32. 32 हमने क्यों किया? बिकॉज ये अब UART की रिक्वायरमेंट है. सही है, एंड देन वी सेंड दिस वैल्यू टू योर टाइमर नंबर वन. अब ये टाइमर वन को क्यों भेज रहे हैं, क्या करना है, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू द फर्दर डिटेल्स. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यहाँ है वो क्या होती है, वो हमें ये कि बॉड रेट हमारा 8051 कैसे समझेगा कि 9600 बॉड रेट सेट हुआ हुआ है, या 4800 बॉड रेट सेट हुआ हुआ है, या 2400 बॉड रेट सेट हुआ हुआ है. हाउ डज़ ही नो? ही विल नो बाय यूजिंग सम रजिस्टर्स. वो रजिस्टर्स कौन से हैं? वो हमारे पास है एक एस बफ का रजिस्टर है, जो कि हम पहले ही भी आपके रजिस्टर, जब हमने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स SFRs को डिस्कस किया था, तो हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था. एक एस बफ है, एक एस कॉन है, एक पी कॉन है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन रेट डिफाइन करने का मतलब यही है कि हम टाइमर को कह रहे हैं तुम सर्टन काउंटिंग करो. ठीक है, एंड दैट काउंटिंग एक्चुअली डिटरमाइंस द बॉड रेट. अब उसका फार्मूला हमारे पास नीचे मेंशन हुआ हुआ है, आप अगर चाहें तो ये वाला फार्मूला यू कैन इजीली लर्न कि बॉड रेट इज इक्वल टू ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, जो भी ये वाली होगी, डिवाइडेड बाय एन इनटू 256 माइनस TH1. अब 256 क्यों है? क्योंकि हम टाइमर को यूज़ कर रहे हैं 8 बिट मोड में, ऑटो रीलोड मोड में हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 की पावर 8, 256 होगी. वी आर यूजिंग टाइमर्स इन 8 बिट ऑटो रीलोड मोड. ठीक है, 8 बिट ऑटो रीलोड मोड क्या था कि हम टाइमर के आधे पार्ट के अंदर हम उसको 8 बिट की तरह यूज़ काउंटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, जब टाइमर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, देन वो उसके बाद जब जीरो पे जाने के बजाय वो रीलोड हो जाता है अपनी पुरानी वैल्यू जो आपने TH में रखी हुई होती है, THX में रखी हुई होती है, वो वैल्यू ले लेता है. तो हम उस मोड में इसको इस्तेमाल करेंगे. ठीक है भाई, अच्छा अब ये N क्या है, ये N को अभी छोड़ दीजिए. N इज़ बेसिकली द टर्मिनोलॉजी विच इज़ इंडिकेटिंग वेदर यू वॉन्ट टू डबल इट और नॉट डबल इट. हम नीचे वाले फार्मूलाज की तरफ जाते हैं, इसको अभी खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा.
आपको जो भी क्वेश्चन में बॉड रेट गिवन हो, 9600 कैलकुलेट करना है, 4800 कैलकुलेट करना है, जस्ट पुट इट हेयर। आप यहाँ पुट करें उसको, 384 से मल्टीप्लाई करें या 192 से मल्टीप्लाई करें, एफ ऑसिलेटर यानी कि जो ये वैल्यू गिवन है इससे डिवाइड करें एंड 256 से माइनस करें, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ TH1, वो वैल्यू होगी आपके टाइमर की, यानी कि हमें अपने टाइमर को इतना चलाना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि 384 से भी करना है मल्टीप्लाई और 192 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे क्यों मेंशन हुई हुई हैं? ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे इसलिए मेंशन हुई हुई हैं बिकॉज अगर आप चाहें तो बॉड रेट को आप खुद भी डबल कर सकते हैं। हमारे पास एक रजिस्टर है, उसमें एक बिट है, उसका नाम है एस मोड। ठीक है, हमारे पास एक रजिस्टर है, उसके अंदर एक बिट है जिसका नाम है एस मोड। अगर हम उसमें वैल्यू ज़ीरो रखते हैं उस बिट के अंदर, तो आपके पास बॉड रेट डबल नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एस मोड की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, देन हमारा बॉड रेट डबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होके वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी सिस्टम के बॉड रेट को डबल करें, तो आपके पास क्या तरीका होगा? एक तरीका तो ये है कि आप इस एस मॉड 1 को हाई कर दें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आपकी डबल हो जाएगी, बॉड रेट आपका खुद ब खुद डबल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सबको क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा आगे जाके और एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि मज़ीद क्लेरिफा हो। फिलहाल आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है, तीन बातें इस पर्टिकुलर स्लाइड से याद रखिए कि हमारे पास एक क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है, उसको हमें डिवाइड बाय 12 करके क्लॉक की फ्रीक्वेंसी आती है, एंड फर्दर डिवाइड बाय 32 करके यूआरट की फ्रीक्वेंसी आती है। अगर मुझे इसका फार्मूला कैलकुलेट करना है कि टाइमर की वैल्यू क्या सेट होगी, आई विल यूज़ द सेकेंड लाइन, 256 माइनस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 384 इनटू बॉड रेट, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ बॉड रेट डबल हो जाए, तो मेरे पास एक रजिस्टर है, उसमें एक बिट है एस मॉड, उसको मैं अगर हाई कर देती हूँ तो मेरा बॉड रेट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। ये तीन चार बातें जो आपने अभी तक याद रखनी है। अच्छा, ये जो मेथड आप लोगों को मैंने अभी समझाया है पूरा का पूरा, इसमें आपको आई हैव आस्क यू टू रिमेम्बर द फार्मूला कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हार्डवेयर जो है आप एक सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाएं किसी पर्टिकुलर बॉड रेट के ऊपर, तो यू कैन सिंपली डू व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वहाँ पे अपनी TH1 की वैल्यू सेट करें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बॉड रेट व्हाटएवर यू लाइक, एंड यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TH1, और वो वैल्यू आप जो हैं अपने प्रोग्राम में TH1 में लिख दें। जैसे हमने टाइमर के न्यूमेरिकल में TL और TH के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिखी थी, तो वो वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, TL की वैल्यू को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि हम लोग जो वर्कआउट वर्किंग कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम बेसिकली और 8-बिट ऑटो रीलोड मोड के अंदर। तो आप सिर्फ TH1 की वैल्यू डालेंगे, दैट्स इट। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एस मोड 1 की वैल्यू हमने 0 सेट की हुई है, यानी कि वो बिट जो बॉड रेट को डबल करती है उसको 0 सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एंड इफ़ एस मॉड 1 इज़ 1 तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट मेथड है बॉड रेट कैलकुलेट करने का। इफ़ somebody कैन easily रिमेंबर द फार्मूलाज, ही और शी कैन यूज़ दीज फार्मूलाज डायरेक्टली। ठीक है, बट इफ़ समवन वांट्स टू अंडरस्टैंड द जिस्ट और वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फार्मूला इज कमिंग, आई वुड शो यू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर 9600 बॉड रेट, वट वी विल डू फर्स्ट, वी विल फर्स्ट डिवाइड 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ बाई 12, राइट? यू हैव टू डिवाइड इट बाई 12 एट फर्स्ट, यू विल गेट द आंसर 92.16 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिवाइड इट बाई 32। 32 से हमने क्यों डिवाइड किया? बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड द यूज़ इट बाय द यू आर्ट, हमें यू आर्ट के अंदर ये डाटा डालना है, तो इसलिए यू आर्ट की रिक्वायरमेंट है टू डिवाइड इट इन टू 32। वी विल गेट द आंसर 28800। ठीक है, जब आपने ये आंसर आपको मिल गया है, तो अब आप अपने जहन में वही सेम कैलकुलेशंस लेकर आइए जो हम टाइमर्स में लेकर आए थे, कि हमने क्लॉक के का क्लॉक साइकिल निकाला था कि यार 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइड बाय 12 करके हमने आंसर निकाला, उसको 1 डिवाइड बाय आंसर किया था तो हमारे पास 1.085 माइक्रोसेकंड्स आए थे। ठीक है, उसको हमने फिर क्या कहा था? हमने कहा था जो हमें चाहिए 15 माइक्रोसेकंड्स का
डिले, तो हमने कहा था 15 माइक्रो सेकेंड से इसको आप डिवाइड कर दें, ठीक है, हमने कुछ इस तरह की डिवीजन वहाँ पे की हुई थी। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए 9600 बॉड रेट, तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे एरिया के अंदर 28800 के अंदर मैं 9600 वाली चीज़ कितनी आ रही है। वहाँ अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमें जो 1.085 माइक्रो सेकेंड्स हमने फाइंड आउट किया था वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ था, यहाँ हमें जो चाहिए जो सिस्टम का निकल रहा है 28800 वो हम न्यूमरेटर में रख रहे हैं और डिनोमिनेटर में जो हमें चाहिए, बात समझ में आ रही है। वहाँ क्या था, वहाँ आपने जो भी आपको रिक्वायर्ड डिले चाहिए था वो पर्टिकुलर डिले जो भी आपको, लेट सपोज आपको 15 माइक्रो सेकेंड चाहिए था, आपने क्या किया था 15 × 10⁻⁶, ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया था किससे 1.085 माइक्रो सेकेंड से, ये वहाँ पे हमने पूरी वर्किंग की थी बहुत डिटेल में। इफ़ यू आर हैव फॉरगेटन दैट तो आप उस दोबारा से वो वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने की थी वहाँ पे, राइट। यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, ये वाली वैल्यू किसकी, ये वाली वैल्यू है आपकी सिस्टम की, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ ऑफ योर सिस्टम, ये आपने न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सॉरी रखी हुई है, और जो आपकी वैल्यू है वो आपने यहाँ रखी है, यहाँ हम सिस्टम की वैल्यू के ऊपर रख रहे हैं, जो हमें चाहिए वो नीचे रख रहे हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ये टाइम पीरियड था, ये फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकेट हैं, तो अगर आप टाइम पीरियड की वर्सेस कर रहे हैं तो आपने ये वाला इस तरीके से किया था, जो भी वैल्यू थी उसको आपने जो है वो डिनोमिनेटर में रखा जो सिस्टम की थी और अपनी वैल्यू को ऊपर रखा, और जब आप इस चीज़ का रिवर्स फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो वो उलट हो जाएगा, तो यानी कि अब जो हमें चाहिए वो हमने नीचे रखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर का जो एक्चुअली सिस्टम से वैल्यू निकली है दैट इज़ वी हैव पुट हेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने वहाँ लास्ट न्यूमेरिकल में समझा था कि आपके पास वेव है, ये वाली वेव, इस एक वेव के अंदर कितनी क्लॉक की फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, तो हमने कहा था हम इस जगह को डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू से। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कितने 9600 आ सकते हैं, ठीक है, तो वो जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 3। इसका और इसका बैकग्राउंड और इसका बैकग्राउंड आइडेंटिकल है, देर इज़ नो डिफरेंस, दे आर टोटली इज इक्वल टू, ठीक है, फ़र्क सिर्फ कितना है, ये आप डील कर रहे हैं टाइम पीरियड में, ये आप डील कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, इसलिए ये वैल्यूज जो यहाँ हमने जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो न्यूमिनेटर था, यहाँ रिक्वायर्ड वैल्यू डिनोमिनेटर बन गई है, ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है कि इस एक जगह में ये कितनी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, जब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अब हमने वहाँ किससे माइनस किया था, 65536 से माइनस किया था, यहाँ हम किससे माइनस करेंगे, यहाँ हम 256 से माइनस करेंगे। क्यों 256 से करेंगे, बिकॉज हम 8-bit का मोड यूज़ कर रहे हैं, टाइमर को मोड 2 में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑटो रीलोड मोड, तो इसलिए हमने 256 माइनस 3 किया, वी गॉट द आंसर 253, ठीक है, वहाँ क्या कर रहे थे 65536 माइनस जो भी वैल्यू आई थी, यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर ली TH1 की वैल्यू, जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वी गॉट द वैल्यू फॉर TH1, ये अब आप अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने टाइमर का काम किया था। कुछ रजिस्टर्स मजीद ऐड होंगे वो हम लेटर ऑन देखेंगे, फिलहाल दिस इज़ द वे हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ TH1। इफ़ यू सी, ये एक मेथड है जो कि सिस्टमेटिकली चल रहा है, और अगर आपको ये इस तरीके से समझ में नहीं आता तो जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ आप डायरेक्टली 9600 अगर लिखते हैं तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप वो फॉर्मूला याद करना चाहते हैं कि या ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था कि हम बॉड रेट को डबल कर सकते हैं, बॉड रेट को डबल करने का मैंने आपसे ये बात मेंशन की थी कि एक हमारे पास रजिस्टर है जिसका नाम है PCON, पावर कंट्रोल रजिस्टर, PCON रजिस्टर जो है उसके अंदर एक बिट है दैट इज़ कॉल्ड SMOD, सीरियल मोड, जो कि आपकी क्या चीज़ करती कंट्रोल करती है, आपका बॉड रेट कंट्रोल करती है। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका बॉड रेट जो होगा वही होगा जो आपने नॉर्मल सेट किया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका बॉड रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बिट दैट कंट्रोल्स योर, यू कैन से दैट द बॉड रेट, इफ़ यू कैन डायरेक्टली डबल द बॉड रेट बाई यूजिंग दिस, नाउ लेट्स सी हाउ। आपके पास एक सिंपल है, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर होता है जो भी उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 करती हूँ तो मेरे पास मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है,
उसको यूआरट की इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं या तो डिवाइड बाय 32 करूँगी. क्यों डिवाइड बाय 32 कर रही हूँ? बिकॉज एस मॉड अभी जीरो है. जो हमने अभी न्यूमेरिकल में पूरा बहुत डिटेल में देखा था कि हमने उसको डिवाइड बाय 32 किया, 28800 आंसर आया था, ये वही आंसर लिखा हुआ है. ठीक है, अगर आपने पावर कंट्रोल रजिस्टर में एस मॉड की वैल्यू 1 सेट की हुई है, देन ये डिवाइडेड बाय 32 नहीं होगा, ये डिवाइड बाय 16 होगा. ठीक है, तो हमारे पास अब ये वैल्यू यहाँ पे इसकी डबल यहाँ पे आ रही है, 5600 हर्ट्ज. ठीक है, तो हम अपनी इस वैल्यू को अगर एस मॉड की वैल्यू 1 कर दें तो क्या चीज़ चेंज होती है? ये डिविजिबिलिटी का फैक्टर चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर ये 0 है तो ये डिवाइड बाई 32 होगा जैसे हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, और अगर हम इसको 1 सेट कर देंगे तो डिवाइड बाई 16 हो जाएगा. इसी वजह से अगर बॉर्ड रेट के जो फार्मूला वाली स्लाइड थी उसमें दो फार्मूला लिखे हुए थे, एक इसके रेफरेंस से लिखा हुआ था, एक इसके रेफरेंस से लिखा हुआ था. न्यूमेरिकल जो मैंने आपको अभी स्लाइड में शो किया है पूरा सॉल्व करके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस डिवाइड बाय 32. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दी जा रही है कि आपने पी कॉन का जो भी रजिस्टर था उसको आपने ए में मूव किया. ए क्या है? ए इज़ एन एक्यूमुलेटर. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक्यूमुलेटर है, एक बी रजिस्टर है, तो हमने पी कॉन को पूरा एक्यूमुलेटर में मूव किया और हमने सेट बी यूज़ किया, यानी कि सेट बिट एक्यूमुलेटर डॉट 7, यानी कि पी कॉन की जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी 7, वो हमने हाई कर दी है. हमें कैसे पता ये MSB है? ये पता है कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर 8 बिट का है, तो पी कॉन भी 8 बिट का होगा. स्टार्ट कहाँ से होगा? D0 से. एंड कहाँ पे होगा? D7 पे. तो D7 को ऑन करना है क्योंकि एस मॉड तो वहाँ होता है. तो हमने क्या किया, हमने ये वाली वैल्यू को एक्यूमुलेटर की 7th बिट को ऑन किया और जो भी डाटा था एक्यूमुलेटर में वो हमने पी कॉन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया ताकि हमारा एस मॉड की वैल्यू 1 हो जाए. तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कि अगर एस मॉड की वैल्यू 0 है तो आप 9600 में आपकी TH1 की वैल्यू आएगी 3, 4800 की आएगी 6, 2400 की आएगी 12 एंड 1200 की आएगी 24. ठीक है, अगर आप एस मॉड की वैल्यू इस मॉड को 1 कर देते हैं तो यही बॉड रेट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. 2 6 12, 2 9 18, 19 19200, 2 8 16, 2 4 8 9, 9600. ये सारे डबल डबल ओके यहाँ पे मेंशन हुए हैं. ठीक है, अब ये जो माइनस साइन इंडिकेट हुआ हुआ है ये इसलिए इंडिकेट हुआ हुआ है बिकॉज हमें जो काउंटिंग करनी है वो रिवर्स डायरेक्शन में हमारी होगी, यानी कि आपने जो काउंटिंग हम कह लीजिए कि हम चाहते हैं आपका आंसर आया था 253 फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ मेंशन होगी कि हमने क्या 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 किया था. हमने किया था 256 माइनस 3 किया था तो 253 आया था. ठीक है, तो 253 को अगर आप डायरेक्टली हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा FD, FA, FD. सिमिलरली इसको कन्वर्ट करेंगे FA आएगा. अगर मैं चाहती हूँ 253 डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होता है तो वो माइनस 3 के भी इक्विवेलेंट होता है. देखिए दोनों वैल्यूज़ डेसिमल में, 253 भी डेसिमल वैल्यू है और माइनस 3 भी डेसिमल वैल्यू है. अगर मैं 253 को हेक्स में कन्वर्ट करती हूँ आंसर आएगा FD. ठीक है, वही आंसर आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन FD माइनस 3 को भी इंडिकेट करता है. ठीक है, तो अगर आपने जो ऊपर 3 फाइंड आउट किया था, आपके पास दो ऑप्शन है. ऊपर जो आपने 3 फाइंड किया उसके पीछे माइनस लगा दीजिए और फिर हेक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 3 की वैल्यू लीजिए, उसको 256 से माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको हेक्स में कन्वर्ट कर दें. ईदर केस में हेक्स का आंसर यही FD ही आएगा. आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन समथिंग जो कि अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं. हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हमें बॉड रेट को कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय 12 करना है. 12 करने के बाद अगर हम पावर कंट्रोल रजिस्टर को नहीं इस्तेमाल कर रहे, अगर हम एस मॉड 1 को यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे पास हमेशा याद रखिए UART उसको डिवाइडेड बाय 32 करेगा. जो भी आंसर आएगा आपने अपने रिस्पेक्टिव बॉड रेट से उसको डिवाइड कर देना है. जो भी आंसर उसके बाद आपके पास आएगा 3, 4, 5, आप चाहें तो वो नंबर माइनस के साइन के साथ खुद ही यूज़ कर लें कि माइनस 3 वैल्यू है, माइनस 4 वैल्यू है, माइनस 5 वैल्यू, माइनस 6 वैल्यू है. या आप दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 256 में से माइनस करें वो नंबर, 256 माइनस 3 जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर दें हेक्स में, तो वो भी वही FD ही रहेगा. ठीक है, ये जगह शो करने का रीज़न ये था कि कहीं आप लोग ये वाली वैल्यूज़ भी देखें तो परेशान ना हो ये माइनस साइन क्यों लगा हुआ है. माइनस सिंपली वही है आपको, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल में 65536 से माइनस करके आंसर निकाले थे तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, समझ में आ गया था सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं. इसी वजह से मैंने आपको माइनस का ही मेथड बताया है कि आप क्या करेंगे, 256 माइनस आंसर, 256 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 253. व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस 253 इनटू कैलकुलेटर इनटू हेक्स बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर तो आपकी वैल्यू आएगी FD. दैट्स इट. ठीक है,
अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इस माइनस साइंस को इग्नोर कर दीजिए, टोटली इग्नोर दिस साइंस, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अभी डिटेल में पढ़ा है। अगर इस सारे सिनारियोज़ में एस मॉड की वैल्यू 1 हाई हो जाती है, देन हमें हम डिविजिबल वाला फैक्टर 32 से चेंज होकर 16 हो जाएगा यू आर्ट में, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। अब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे 9600 से, और जो भी रिस्पेक्टिव आंसर आएगा उसको 256 से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हेक्स में कन्वर्ट करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। आपको और इसके अलावा कौन से रजिस्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में, ये तो था मेथड बेसिकली कैलकुलेट करने का बॉड रेट, यानी कि टाइमर्स का इस्तेमाल होगा। अब सीरियल कम्युनिकेशन में कौन कौन से रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपको नज़र आ रहा है एस पफ, दैट इज़ सीरियल बफर रजिस्टर। ये वो अगेन एट बिट का आर्किटेक्चर है, तो ये 8 बिट का रजिस्टर होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट 7। इस रजिस्टर के थ्रू ये बात याद रखें कि हमारा डेटा ट्रांसमिट भी इसी से होता है, रिसीव भी इसी से होता है। जब हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो आपने इसी रजिस्टर में सबसे पहले डालना है, यही रजिस्टर उसमें स्टार्ट बिट स्टॉप बिट लगा के उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अगर आपने कोई डेटा रिसीव करना है तो वो भी इसी रजिस्टर में आएगा और वो इसमें से स्टार्ट बिट स्टॉप बिट सब हटा के अपने अंदर सेव करेगा। तो हम जब कभी भी हमें ट्रांसमिट करना है हमें सबसे पहले डेटा यहाँ रखना होगा, जब कभी भी हमें रिसीव करना है हम हमेशा डेटा इसी रजिस्टर में से लेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है आपके पास कि आप मूव कर रहे हैं एस बफ के अंदर डी इज़ व्हाट, डी इज़ बेसिकली योर कैरेक्टर जिसका हम एस की वर्जन जो होगा वो होगा 44H। अगर आप उसको देखें अपने एस की टेबल के अंदर तो 44H की जो वैल्यू है वो एस बफ में मूव हो जाएगी। यहाँ आप एक्यूमुलेटर की वैल्यू एस बफ में मूव कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई वैल्यू ट्रांसमिट करनी है, इन दोनों केसेस में आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपने वैल्यू एस बफ में प्लेस कर दी है। ये सारी एग्जांपल्स हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं लेटर डी, इसलिए हमने एस बफ में प्लेस कर दिया है। ये क्या है, ये हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेटर नहीं है, ये लेटर इसलिए नहीं है बिकॉज हैश और ये आपके जो कोटेशन मार्क्स नहीं लगे हुए, सिंगल कोटेशन मार्क्स नहीं लगे हुए, ये एक्यूमुलेटर है, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। तो आप एक्यूमुलेटर की वैल्यू एस बफ में लिख रहे हैं, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कि आप एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी है वो आप सीरियली ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ जो भी कुछ बफर में था वो आप एक्यूमुलेटर में लिखवा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ रिसीव कर रहे हैं कि जो कुछ भी रिसीव हुआ है बफर के अंदर वो एक्यूमुलेटर में लिख दें। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपकी हो गई हैं ट्रांसमिट की, ये एग्जांपल हो गई है आपकी रिसीव की। इसके अलावा कौन सा रजिस्टर है, वी हैव एस कॉन। एस कॉन रजिस्टर कौन सा होता है, ये भी अगेन 8 बिट का है, जैसे कि टी कॉन था टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ये एस कॉन है, दैट मीन्स सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। इसके अंदर हमारे पास जो पहली दो बिट्स हैं SM0 SM1, ये मोड को कंट्रोल करती हैं, मोड 0 मोड 1 मोड 2 मोड 3, इसकी डिटेल आपको यहाँ मेंशन हुई हुई है। अगर आप बॉड रेट यूज़ करना चाहते हैं 1/12 ऑफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड बॉड रेट, मोड 0 इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं टाइमर 1 से डिटरमाइंड हो बॉड रेट, जो कि अभी हमने पूरी एग्जाम्पल की है, देन इट इज़ मोड 1। अगर आप चाहते हैं 1/64 या 1/32 ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी हो तो मोड 2, एंड अगर आप चाहते हैं टाइमर 1 से ही हो तो मोड 3, ठीक है। अब कुछ लोगों के जहन में सवाल आएगा कि मोड 1 और मोड 3 तो बिल्कुल एक जैसे हैं तो अलग अलग क्यों हैं, वो इसलिए अलग अलग हैं बिकॉज दिस इज़ योर 8 बिट मोड, दिस इज़ 9 बिट एंड दिस इज़ ऑल्सो 8 बिट, ठीक है। तो ये ऊपर वाले दोनों 8 बिट के मोड्स हैं और ये 9 बिट के मोड्स हैं, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि हमारा जो फोकस रहेगा वो सीरियल मोड 1 पे रहेगा, राइट, यानी कि यहाँ यूजुअली वैल्यू 0 और 1 रहेगी। इस वजह से दिस इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाई टाइमर 1, यानी कि हम टाइमर 1 को इस्तेमाल करेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ गया कि यहाँ पे मैं 9th बिट की जो बात कर रही थी वो क्या होती है, ये तो सिंपल 1/12 और 8 बिट ही है, तो डेटा भी 8 बिट का होता है और ये चाह रहे हैं कि जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी उसी से हम ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इन दोनों मोड्स का क्वेश्चन जहन में ये आता है कि यार ये तो समझ में आ गया कि बॉड रेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये कैसे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर 9th बिट क्या है। देखिए, जब हम मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं 8051 में, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपका कंट्रोलर मास्टर है, उसके साथ मल्टीपल स्लेव्स लगे हुए हैं, स्लेव्स कैन बी योर डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, आपकी सेंसर्स भी हो सकते हैं, आपकी मेमोरी मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, आपकी कोई भी चीज़ जो कि रिसीव करेगी डाटा कंट्रोलर से, ठीक है, तो या सेंड करेगी डाटा कंट्रोलर को, तो वो सब आपके स्लेव्स हैं। तो पहली जो 9th बिट होती है, यानी कि इट्स अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB 0 से लेकर 7th
तक के बाद एट्थ बिट, यानी कि आपके लिए टोटल नाइन्थ बिट जो बेसिकली होगी, जिसको हम वैसे कहेंगे B8, लेकिन वो होगी कौन सी, नाइन्थ बिट होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं सेवन्थ पे। तो दिस सेवन्थ बिट इज़ योर बिट नंबर एट, एंड एट्थ बिट इज़ बिट नंबर नाइन। ठीक है, तो ये जो आपकी MSB बिट है, ये इंडिकेट करती है कि मैं किस स्लेव से बात कर रही हूँ। ये उसका एड्रेस बताती है कि सबसे पहले वो अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि यार ये कौन से चार स्लेव्स थे, कौन से वाली स्लेव से बात हो रही है। जिस स्लेव से भी बात हो रही होगी, फिर वो नेक्स्ट एट बिट्स को देखेगा और अपना डाटा रिसीव करेगा या ट्रांसमिट करेगा। तो ये नाइन्थ बिट कहाँ इस्तेमाल होती है, ये मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होती है, ताकि एड्रेस हम कर सकें रिस्पेक्टिव स्लेव को। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे। हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं। ये एक है आपके पास SM2 है, ये आपकी मल्टी प्रोसेसर मोड्स में इस्तेमाल होती है। इसको छोड़ दीजिए, दिस इज़ समथिंग हाई केस। वी हैव REN, जब आप रिसीव करना को चाह रहे होंगे तो हम इसको हमेशा हाई करते हैं। ठीक है, दिस इज़ रिसीव इनेबल। ये आपकी वो ट्रांसमिट बिट 8 है, यानी कि आप जो बिट चाह रहे हैं ट्रांसमिट करना। ऑब्वियसली हमारी हर चीज़ तो 8-8 बिट की है, सीरियल बफर भी 8-8 बिट का है, तो हम अपनी ये जो उसमें 8 बिटें आ सकती हैं, तो हम नवी बिट को कहाँ भेजें। ठीक है, तो उसके लिए नवी बिट के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा जगह रखनी होगी। ट्रांसमिट भी करने के लिए नवी बिट का अलग जगह होनी चाहिए, रिसीव करने के लिए भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो जगह है। अगर आप नाइन्थ बिट को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ अपनी लिखेंगे, जो भी आपका स्लेव का एड्रेस है। और अगर आप नाइन्थ बिट से कुछ रिसीव कुछ आपको हुआ है, तो वो भी आप यहाँ लिखेंगे। सो दिस इज़ द रिसीव्ड नाइन्थ बिट, दिस इज़ द ट्रांसमिट नाइन्थ बिट। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली B8 and B8, बिकॉज योर काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम B0। फिर हमारे पास एक RIA और एक TIA। RIA स्टैंड फॉर रिसीव इंटरप्ट फ्लैग। जब कभी भी कोई चीज़ रिसीव होगी, ये फ्लैग हाई हो जाएगा, जैसे हमारे टाइमर्स में फ्लैग हाई होते थे जब कुछ टाइमिंग कंप्लीट हो जाती थी। इसी तरह से इसमें भी आपका इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाएगा जब कुछ रिसीव होगा। एंड TIA इज ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, कि जब आपका कोई चीज़ ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपने स्टॉप बिट भेज दिया फाइनली। स्टॉप बिट का मतलब क्या है, आपने एक हाई बिट आखिर में भेज दिया, उसके बाद ये आपका TIA इंटरप्ट जो है वो आपका लो आपका हाई हो जाएगा, इंडिकेटिंग कि हमारी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये तीन रजिस्टर्स हैं जो हम अगर इसकी समरी करें। एक है SCON, सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल कंट्रोलर रजिस्टर, जो कि अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वी हैव PCON, पावर कंट्रोल रजिस्टर, एंड SBUF, जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा जाता है ट्रांसमिट और रिसीव होते हुए। PCON हमारे पास क्या है, PCON इज़ बेसिकली जहाँ पे SMOD था, यानी कि बॉड रेट को डबल करने के लिए जो जगह थी, वो हमने PCON से इंडिकेट की है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को रटने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि हमें असेंबली लेवल कोड का ऑलरेडी अंदाज़ा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सी के कोड के ऊपर कि हाउ डज सीरियल कम्युनिकेशन लुक्स लाइक इन अ सी लैंग्वेज कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, अब हम ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस डिटेल, सबसे पहले ये बात याद रखिए, ये न्यूमेरिकल दिखाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को असेंबली भी आ जाए, सी भी आ जाए। ये मैं सिर्फ आपको एक फ्लेवर दे रही हूँ कि हाउ थिंग्स लुक लाइक। ठीक है, चीज़ें नज़र किस तरीके से आती हैं। तो नाउ लेट्स सी, हम इसको सिर्फ समझने के अंदाज़ में रखते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंपल सी का प्रोग्राम ऐसे ही लिखते हैं, void main, void ये वही करके लिखा हुआ है, void main फंक्शन है जिसको आपने ये ब्रैकेट में लिखा है। सबसे पहले आपने टी मोड को 0x20 लिखा, इसका मतलब क्या है कि इट्स अ हेक्स वैल्यू। 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब होगा 00100000 and 0। इसका मतलब है कि जो टाइमर ज़ीरो वाला पार्ट था, दैट इज़ दिस पार्ट, फर्स्ट फोर बिट्स, ये तो सब जीरो है। इसका मतलब है टाइमर वन काम कर रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चला है कि टाइमर वन काम कर रहा है, और किस मोड में काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग इन मोड टू। 10 का मतलब क्या होता है, 2, सो इट इज़ वर्किंग इन मोड टू। इसका मतलब है कि हमने टाइमर वन को कॉन्फ़िगर किया है 8-bit ऑटो रीलोड मोड में, दैट इज़ मोड टू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ही है हर बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, TH1 की वैल्यू हमने सेट की है FD। ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये मैंने आपको अभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि हम जो हैं, हमने 9600 बॉड रेट के लिए सबसे पहले 11.0592 को 12 से डिवाइड किया, फिर हमने उसको 32 से डिवाइड किया UART के लिए, फिर हमारा आंसर आया था 28,800, उसको हमने 9600 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 3। उस 3 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास 256 से जब हमने माइनस किया, आंसर आया 253।
उस 253 को अगर आप हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी एफडी, राइट। फिर हमने एस कॉन, क्योंकि हमें सीरियल कम्युनिकेशन करनी थी तो हमें इस एस कॉन को भी प्ले करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लिखा 50। 50 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए एस कॉन आपके सामने है, 0 1 0 1 0 0 0 एंड 0। इसका मतलब है रिसीव इंटरप्ट 0 है, कुछ भी नहीं आया, ट्रांसमिट इंटरप्ट भी 0 है, 9th बिट में हम काम नहीं कर रहे इसलिए ये भी 0 है, रिसीव इनेबल को हमने, हम कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसको हाई कर दिया है, मोड हमारा क्या सेट हुआ है 10। 10 का मतलब क्या है, SM1 SM2 10 का मतलब क्या है, वी आर वर्किंग इन मोड मोड नंबर 1, ठीक है। अब मोड नंबर 1, अब ये जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है मोड 1 रिसेप्शन इनेबल, एक्चुअली दिस इज़ वर्किंग इन ये 01, इसको यू रीड करना है आपने, दिस इज़ SM2 SM1, तो ये बेटा आपका SM1 इज़ बेसिकली दिस एंड मोड आपका कहाँ गया, सॉरी ये था SM0 SM1, सो दीज टू बिट्स आइडेंटिफाई योर मोड, तो मोड आपकी वैल्यू क्या है 01, तो ये 01 से हमें पता क्या चला, इट्स अ मोड 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोड 1, यानी कि मोड 1 में हम रिसीव कर रहे हैं। अब हमने टाइमर को स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब टाइमर ने चलना शुरू कर दिया, यानी कि बॉड रेट स्टार्ट हो गया है कि किस रेट पे बात करनी है। ये कहा हुआ आपका फंक्शन है वॉइड स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग, इसमें हमने क्या किया, एक आई वेरिएबल ले लिया है, एक हम फॉर का लूप चला रहे हैं जो कब तक चलेगा, जब तक आपकी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो नल वैल्यू, नल वेक्टर ना आ जाए, ठीक है, जब तक वो चलता रहेगा। हमने क्या किया, एक फंक्शन है ट्रांसमिट डेटा, वहाँ पे हम ये एरे की वैल्यूज भेज रहे हैं, यानी कि ट्रांसमिट डेटा स्ट्रिंग की जो भी पहला कैरेक्टर है वो आप ट्रांसमिट डेटा के फंक्शन को भेज दो। क्या लिखा भाई, ये str i, i का मतलब क्या है, जो भी पहली वैल्यू है, लेट सपोज अगर मेरा, मैं भेजना चाहती हूँ नेम, तो नेम का n को मैं भेज रही हूँ किस फंक्शन में, ट्रांसमिट डेटा के फंक्शन में। ट्रांसमिट डेटा का फंक्शन कहाँ है, वो ये ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे ये डेटा n आया है, वो n डेटा जो है हमने जो भेजना है, हमने क्या कहा उसको, हमने नाम दिया हुआ है tx_data, ठीक है। वो डेटा की वैल्यू हमने एस बफ में डाली, आपको पता है कि हमें एस बफ में हर चीज़ भेजनी पड़ती है, इस वजह से हमने यहाँ पे एस बफ में डाली, और जब तक आपका TI क्या है, ट्रांसमिट इंटरप्ट, जब तक ट्रांसमिट इंटरप्ट 0 है, यानी जब तक डेटा नहीं गया है तब तक वो यहीं वेट करता रहेगा डेटा के जाने का। एज सून एज ट्रांसमिट इंटरप्ट की वैल्यू हाई हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि अब आपका डेटा जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 1 हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका ये नीचे आ जाएगा, ट्रांसमिट इंटरप्ट को 0 करेगा और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि हमने पढ़े थे कुछ रजिस्टर्स, एक रजिस्टर्स पढ़ा था एस कॉन, वो भी इस्तेमाल हुआ नज़र आ रहा है, एक एस बफ, वो भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हम बॉड रेट को तो डबल कर नहीं रहे हैं इसलिए पी कॉन आपका यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, और आपने जो टाइमर्स ने पढ़े थे टी मोड, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है, टी कॉन में हमने TR1 पढ़ा था, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है, और हमने एक चीज़, अब टाइमर का फ्लैग अगर हाई हो लो हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो बॉड रेट सिर्फ जनरेट कर रहा है, और जो आपके पास टाइमर में जो रजिस्टर्स थे THX, उसको भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये आपको ये बताने का मकसद है कि एक हमने एग्जांपल की थी पूरी असेंबली लैंग्वेज के कोड की, ये एक एग्जांपल है सी के कोड की, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ लिखो, यहाँ इज इक्वल टू करके लिखा हुआ है, वहाँ लिखा होता मूव टी मॉड कॉमा 0x#0x20h, मूव TH#0fdh, मूव SCON##0/50h, सेट बिट TR1, वहाँ पे ये इस तरीके से मेंशन हुआ हुआ होता। तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई विल ट्राई कि मैं आपको एक, या LMS के ऊपर मैं एक आपको सीरियल कम्युनिकेशन का अलग से पोस्ट कर देती हूँ जो कि असेंबली में हुआ हुआ होगा। बस सिर्फ बात ये है कि आप लोगों को ये रजिस्टर्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको कोड का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और अगर इंशाल्लाह जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी एंड वी विल बी हैविंग पेपर्स एंड टेस्ट, तो आपको ये रजिस्टर्स सारे मिलेंगे, ये सब आपको स्ट्रक्चर्स बने हुए मिलेंगे, आप लोगों ने ये लिखना होगा इधर इन सी और इन असेंबली, ठीक है।